नमस्कार दोस्तों, गरीब व मजदूरी करने वाले लोगों के लिए सरकार ने एक कार्ड जारी किया था जिसका नाम है ई श्रम कार्ड। आधार कार्ड की तरह इसमें भी 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट होता है जो मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, आधार कार्ड से लिंक किया जाता है। सरकार द्वारा भेजी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। आपको उसका लाभ मिला है या नहीं मिला है, मोबाइल नंबर से कैसे चेक करें, इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र में आना है। सबसे पहले सर्च करना है UPSSB लेबर। यहाँ सर्च करने के बाद आपको एक नीचे साइड मिलेगी उत्तर प्रदेश अनऑर्गेनाइज्ड वर्क एंड सोशल, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये पॉपअप खुलेगा, यहाँ पे इसको डिलीट कर देना है। फिर दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ जाना है थ्री डॉट पर या इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक नीचे साइड मिलेगी ई श्रम, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ लिखा है भरण पोषण भत्ता योजना, तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपने ई श्रम कार्ड में रजिस्टर कराया था। तो मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ नीचे सर्च और कैंसिल लिखा है, तो आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जो मोबाइल नंबर आपने ई श्रम कार्ड में लगवाया था, 1, 2, 3 या 4 में लगता था, तो उसमें जितने में भी लगवाया है उन सबकी यहाँ पे डिटेल दिखा देगा। तो इस तरह से दोस्तों, मेरा मोबाइल नंबर 2 में लगा है। 2 ई श्रम कार्ड बने थे मेरे मोबाइल नंबर से, तो 2 में लगा हुआ है। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, ये नाम है और ये एड्रेस है, पैसा ये आपको दिखेगा यहाँ, मोबाइल नंबर और यहाँ सक्सेस दिख रहा है। इस तरह से आप बड़े ही आसानी से अपना ई श्रम कार्ड का पैसा चेक कर सकते हैं, आया है या नहीं आया है मोबाइल नंबर से। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे ऐसी नई नई वीडियो आती रहें। तब तक के लिए नमस्कार।